दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस प्रकार फोटोशॉप से एनिमेशन दुर्गा माता जी का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत में रहेगा। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे संजय कंप्यूटर क्लासेस में। चैनल पे अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड अगर आपको कोई मन में डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। सो दोस्तों, चलिए मैडम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लीजिएगा, कंट्रोल एन करना है। यहाँ आपको लिखना है 1280, नीचे लिखना है, यहाँ से TIX में हम रख ले रहे हैं, नीचे लिखना है 720। उसके बाद इसको ओके कर देना है। 1280 720, उसके बाद इसको ओके कर दिए। देख सकते हैं पेज ओपन हो गया। एनिमेशन इफेक्ट बनाने के लिए दो बैकग्राउंड की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर हम डाउनलोड कर रखे हैं, एक बैकग्राउंड हो गया, उसका दुर्गा माता जी का फोटो हो गया। तो दो यहाँ पे हमको लेयर्स चाहिए बैकग्राउंड बनाने के लिए। सबसे पहले दोनों फोटो को हम ड्रॉप करके फोटोशॉप में ओपन कर ले रहे हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेयर भी ओपन हो गया। विंडो बटन पे क्लिक कीजिएगा, अगर लेयर ओपन ना हो तो लेयर पे टिक कर दीजिएगा, लेयर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सबसे पहले बैकग्राउंड को हम सेटअप कर दे रहे हैं। कुछ इस तरह मूव करेंगे सो बैकग्राउंड आ जाएगा। कंट्रोल टी करके इस बैकग्राउंड को हम पूरी तरह से सेटअप कर ले रहे हैं, पूरा टू पूरा फ्रेश। शिफ्ट दबाए कीजिएगा तो परफेक्टली सेटअप होगा, अदरवाइज अगर सिर्फ नहीं दबाई कीजिएगा तो परफेक्टली सेटअप नहीं होगा। उसको एंटर प्रेस कर देंगे, देख सकते हैं कुछ इतना बैकग्राउंड भी आ गया। उसके बाद मोशन पे क्लिक करेंगे, दुर्गा माता जी का जो फोटो है इनको भी हम यहाँ पे ड्रॉप करके ला देंगे कुछ इतना पे। सो इस दोनों बैकग्राउंड को हम कट कर दे रहे हैं। इस फोटो को भी कट कर दिए और जो बैकग्राउंड था इस बैकग्राउंड को भी कट कर दिए। उसके बाद इनमें हम थोड़ा पीछे सा जो चक्र दिखे हैं आप, इस चक्र को लगाना है। चक्र लगाने के लिए आपको कंट्रोल आर करना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे रो ओपन हो जाएगा कुछ इतना भी, इसको मूव कर दीजिएगा और ऊपर से थोड़ा मूव कर दीजिएगा, फिर से एक और मूव कर दीजिएगा, फिर एक और मूव कर दीजिएगा कुछ इतना भी। जब ये मूव करने के बाद आपको यहाँ से एक पेन टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेप पे ही क्लिक रखिएगा, पाथ पे क्लिक मत रखिएगा, सेप पे ही क्लिक रख के उसके बाद यहाँ से जो कलर मर्जी हो उस कलर को ड्रॉप कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ से रेड कर लिए, ओके कर दिए। उसके बाद पेन टूल में बीच में क्लिक कर दिए, सबसे ऊपर क्लिक कर रहे हैं, शिफ्ट दबाकर इसको साइड में क्लिक कर दे रहे हैं ताकि पूरी सीधी तरीसा हो। उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इतना पे बन गया। अब इस लेयर को क्या करेंगे, यहाँ से रस्टराइज कर देंगे और यहाँ से एक नया पेज को ओपन कर लेंगे। यहाँ से कलर इसमें करना होता है। जैसे मैं कलर पे क्लिक किए, यहाँ से कलर ले लेंगे रेड और व्हाइट का। अगर ना हो तो ये चेंज कीजिएगा तो रेड और व्हाइट हो जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट क्लिक करके आप कलर को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद कुछ यहाँ पे हम मूव कर दिए। सो देख सकते हैं ये गलत हो गया क्योंकि व्हाइट हमको, सॉरी, हमको व्हाइट ऊपर रखना चाहिए था, रेड नीचे रखना चाहिए था। तो हम इसको नीचे में है कुछ इतना पे ड्रॉप कर दे रहे हैं। अब देख सकते हैं कुछ इतना पे हो गया। उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट के साथ आपको जी बटन को प्रेस कर देना है। देख सकते हैं ये थोड़ा इसके अंदर व्हाइट और रेड हो गया। अब दोनों लेयर को एक साथ कंट्रोल ई कर देंगे सिकड़ लगाकर। अब कंट्रोल एच कर देंगे ताकि जो लाइनिंग दिख रहा है ये लाइनिंग हट जाए। अब इतना रखने के बाद अगर इसका कैपेसिटी को कम करना है तो 100% है, जिसको आप चाहे तो 50% 60% कर दीजिएगा तो हल्का कैपेसिटी इसका कम हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल जे करना है, उसके बाद आपको कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल टी करना है और जो यहाँ पर डॉट दिख रहा है इस डॉट को नीचे यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिएगा और यहाँ पे आप चाहें तो 2 3 4 5 जितना मर्जी हो उतना टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे हम 10 टाइपिंग करते रहे हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कर दिए। उसके बाद कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के साथ बार बार टी प्रेस करेंगे ताकि ये पूरी तरह से बन के रेडी हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल टी हम किए, कुछ इतना पे हमारा बन के रेडी हो गया। सो फ्रेंड, जब पूरी तरह से बन के रेडी हो जाए उसके बाद इसमें पूरा में आपको सिकड़ लगा देना है। जितना लेयर कंट्रोल टी किए हैं इस सब में सिकड़ लगा देना है ताकि पूरा एक साथ अटैच हो जाए। जैसे मैं देख सकते हैं हमारा यहां तक है, इसमें कंट्रोल ई कर देंगे, इसमें सिकड़ लग गया, एक पूरा एक बन गया। उसके बाद कंट्रोल टी कीजिए, शिफ्ट और अल्ट दबाकर इसको छोटा कर दीजिए कुछ इतना पे और दुर्गा माता जी के पीछे यहाँ पे आप लाकर इसको एडजस्ट कर दीजिए। जैसे हम इसको थोड़ा और छोटा हम कर दे रहे हैं,
देख सकते हैं कुछ इतना पे हमने सेटअप कर दिया। उसके नीचे जो फोटो है इस लेयर को ऊपर में ड्रॉप कर देंगे, ये फोटो कुछ इतना पे ड्रॉप हो जाएगा। सो कुछ इतना पे ये जब बन के रेडी हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप इसमें नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम भी टाइपिंग कर लीजिएगा। उसके बाद इस दोनों फोटो को एक साथ कंट्रोल ई करके मर्ज कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इतना पे पूरी तरह से हमारा बन के रेडी हो गया। अब चलिए इसमें हम थोड़ा एनिमेशन आपको करके दिखा रहे हैं ताकि इसमें एनिमेशन किस प्रकार होगा। एनिमेशन के लिए मोड पे क्लिक करेंगे, इस जो फोटो दिख रहे हैं इस फोटो को और थोड़ा इधर हम साइड में कर दे रहे हैं। सो आपको यहाँ से एनिमेशन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जब कुछ इतना पे फोटो आ जाए उसको इसको कट कर दीजिए, इसको थोड़ा जूम कर एक नया लेयर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो फोटो था इस फोटो को कुछ इस प्रकार यहाँ पर ड्रॉप करके इस साइड ला लेंगे। लाने के बाद शिफ्ट दबा कर फर्स्ट लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। दोनों लेयर को सिलेक्ट करने के बाद जो सिकड़ देख रहा है सिकड़ पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप मैक्सिमम 100 रख सकते हैं, अदरवाइज आपकी जितना मर्जी हो उतना यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद इसको हम ओके कर दें क्योंकि मैक्सिमम 50 रख रहे हैं क्योंकि फोटो छोटा है। तो इसको ओके किए यहाँ पे 50 लेयर ओपन हो जाएगा। चलिए अब इसको हम प्ले करके आपको दिखा दे रहे हैं कुछ इस प्रकार हमारा एनिमेशन इफेक्ट रेडी हुआ है। सो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस प्रकार एनिमेशन इफेक्ट हमारा रेडी हो गया। पर यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हैं बहुत फास्ट है। इसको स्लो करने के लिए आपको करना यह है कि जो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर दिए और फर्स्ट जो यहाँ पे लेयर है इस फर्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में शिफ्ट दबाकर लास्ट लेयर पे क्लिक कर देंगे। 0 सेकंड है इसको 0-1 पे क्लिक कर दिए। अब देखिए थोड़ा ये स्लो हो जाएगा। और स्लो करना हो तो इसको और स्लो आप कर सकते हैं। जब एनिमेशन बन के पूरी तरह से रेडी हो जाएगा उसको सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेव ना करके यहाँ से आप सेव एज कर सकते हैं। सो फ्रेंड इस प्रकार आप खूब आसानी से एनिमेशन इफेक्ट बना सकते हैं। इस इंटरेस्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड आपके कोई मन में डाउट हो नीचे कमेंट पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, बाय बाय।